ग्यारह अप्रैल को मैंने हलफ लिया उस दिन तो डॉलर 189 पे था जो 115 रुपए से 2018 से सफर करता हुआ 189 पे आया था तो ये जो साठ पैसठ रुपए की उड़ान थी इसमें तो हमारा कोई कसूर नहीं था अल्बत्ता जिस दिन ओथ मैंने उठाया तो डॉलर आठ रुपए सस्ता हो गया आपकी स्टॉक मार्केट एक हजार पॉइंट या बारह सौ पॉइंट ऊपर गई उसके बाद की जो सूरत हाल वो मैं आपको बयान कर देता हूं बिल्कुल देखिए कि और विदाउट गोइंग इन टू एनी पोलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग आई वॉन्ट टू मेक इट वेरी क्लियर कि पिछली हुकूमत ने जब उनको यह पता, पता चला कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस शायद काम हो जाए कामयाब हो जाएगा तो उनको किसी एक चिलंतर आदमी ने मशवरा दिया कि आप तेल और पेट्रोल की कीमतें सस्ती कर दें अब बताइए कि तारीख की सबसे बड़ी कीमतें दुनिया में इस पर तेल की और पेट्रोल की हैं और पाकिस्तान कर्जों के ऊपर कर्जों की जिंदगी बसर कर रहा है हकीकत यह है कर्जों की मैं पी रहा है और फिर आप यह कहें कि जनाब ये जाल बिछाया जा रहा था कि अगली हुकूमत का अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होता है तो ये जो साथ जो है वो जाल में फंस जाएगा यह थी वो चाल अब हमारी एक पॉलिटिकल मजबूरी भी थी कि भाई अभी हमें अपना वो सर मुडाते ओले पड़े कि हम जिन्होंने साढ़े तीन साल तो एक धेले का रिलीफ नहीं दिया आम आदमी को या तो उन्होंने आटे की गरीब आदमियों को कीमत कम कम की होती। या चीनी की कम की होती होती या या उन्होंने उन्होंने चीनी कीमतें खुदनी तेल की कीमतें कम हो, की होती तब तो बात थी साढ़े तीन साल तो उनको याद ना आया और कर्जे ही कर्जे मुझे बताएं कराची के अजीम बुजुर्गों भाई और बहनों पाकिस्तान में कोई एक मनसूबा बता दें जिसका माज से ताल्लुक हो जिसका जरात से ताल्लुक हो जिसका समाज से ताल्लुक हो जो इस पिछली हुकूमत ने साढ़े तीन सालों में संजीदगी के साथ ला खड़ा किया हो और जिसका फल देने का वक्त आ चुका हो मुझे एक मनसूबा बता दें बाईस हजार अरब रुपए के कर्जे लिए गए यानी 2018 में जो पाकिस्तान के जो कुल कर्जे थे उन्नीस से लेकर 2018 से लेके 30 मार्च इस साल तक 80 फीसद उन कर्जों में इजाफा हुआ इन साढ़े तीन सालों में यह मैं आप की खदमत में अर्ज करना चाहता हूं ये उस वक्त तो कोई सियासी अफरा तफरी तो नहीं थी उस वक्त तो उस लाडली हुकूमत को और उस लाडले को हमारा जो मकतदर इदारा है उसने वो सपोर्ट दी उन साढ़े तीन पौने चार सालों में कि पाकिस्तान की पचहत्तर साल तारीख में ना किसी को मिली ना आइंदा किसी को मिलेगी ये मैं आपको बिला खौफ तरजीद कहना चाहता हूं हां अल्बत्ता मैं बड़े अदब से बड़ी इंकसारी से ये कहता हूं कि ऐसी जो सपोर्ट इस लाडले को मिली थी अगर हमारी किसी हुकूमत को इसका तीस फीसद मिला होता तो पाकिस्तान अल्लाह ताला के कर्म से मैं बड़ा बोल नहीं बोल रहा इंतहाई आज ही कर रहा हूं कि पाकिस्तान इस तरह रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा होता बिल्कुल मुझे कोई इसमें दो राय नहीं है और उसका मैं कोई आप आपको ख्यालों की दुनिया में तो नहीं लेके जा रहा आपके सामने सब कुछ सी पैक आया आपके जब लोड शेडिंग का शदीद मसला था सी पैक के अपने बुनियाद पर यहां अपना का जी फोर्टकास में प्रोजेक्ट लगा अपना पंजाब में लगा सोलर के लगे यहाँ पर विंड मिल के जाम में प्रोजेक्ट लगे अपना आ, अपना पन बिजली के मनसूबे लगे फिर हम अपनी जेब से पाकिस्तान के अपने जो स्केर्ट्स रिसोर्स थे फॉरेन एक्सचेंज के मैं तो उसके ऐनी शाहद हूँ बल्कि खुद मैं मार हूँ उसका मुझे वो चारों प्रोजेक्ट जो गैस की बुनियाद पर लगे थे दो वफाक के दो पंजाब ने लगाए अरबों डॉलर के वो मनसूबे थे मैं अपना बिला खौफ तरदीद आपको कह सकता हूं कि इतने जल्द मुद्दत में इतने सस्ते और जदीद तरीन मशीनरी के मनसूबे पाकिस्तान की नहीं बल्कि दुनिया की तारीख में कहीं नहीं लगे ये मैं आपको बिला खौफ तरदीद कह सकता हूं बिल्कुल मनसूबे लगे लोड शेडिंग खत्म हो गई अब लोड शेडिंग फिर क्यों शुरू हुई मुझे बताएं क्या यह सियासी अफरा तफरी का नतीजा है या कि बदतरीन इनकॉम्पिडेंस लैक ऑफ प्लानिंग एक्सपीरियंस और करप्शन का नतीजा इसका फैसला करें आज आप इसका फैसला होना चाहिए ये जो 10-12 डॉलर बड़ा है इसको तो आप जरूर एक महीने में इसकी कई तावीलें पेश की जा सकती है मैं पूछता हूं कि जब लोड शेडिंग खत्म हो गई थी तो फिर दोबारा लोड शेडिंग किस तरह शुरू हुई क्यों हुई ये वो सवाल हैं जिसका जवाब कौन मांगती है कि भाई हमें बताया जाए और 22 अरब बाइस खरब जो अपना जो लिया गया कर्जा वो कहां गया ये वो चुपते हुए सवाल हैं जिसका हमें अपना कॉम जवाब मांगती है और जवाब उनको मिलना चाहिए आप चीनी एक्सपोर्ट करें सब्सिडी दें इस गरीब कौम के पैसे की सब्सिडी दें और फिर रुपया तेजी से नीचे जा रहा है विंडफॉल नहीं बल्कि अब वॉटरफॉल प्रॉफिट हो रहे हैं एक सब्सिडी मिल रही है दूसरी तरफ आपको जेब में रुपया जो सस्ता हो रहा है वो जेब में जा रहा है एक्सपोर्ट में फिर आप चीनी एक्सपोर्ट करें अरबों रुपए खर्च करके ये एक सियासी अफरा तफरी का नतीजा था फिर मुझे इस सवाल का जवाब दें कि गंदम आप पहले एक्सपोर्ट करते हैं फिर गंदम आप इंपोर्ट करते हैं यह सियासी अफरा तफरी का नतीजा था फिर मुझे इस सवाल का आप मुझे जवाब दें कि जनाब एल एन जी की जब कीमत मार्केट में तीन डॉलर पर यूनिट थी तीन डॉलर नहीं खरीदा तेल मंगवाया महंगा तरीन तेल मंगवाया और जब साठ डॉलर पे पहुंच गया एल एन जी चालीस पे तीस पे फिर आप सौदे कर रहे हैं क्या अफरा तफरी का नतीजा था खुदारा मैं समझता हूं कि हमें बहुत तहमल बर्दाश्त और ईमानदारी से इसका तजिया करना चाहिए अगर मुझसे गलती हुई है तो मुझे इसकी माफी मांगनी चाहिए अगर कहीं अपना सेलेक्टेंस हुई तो उसका उसका अजारा होना चाहिए लेकिन यह बात कि बदतरीन साढ़े तीन सालों की गवर्नेंस के बाद गद्दारी और वफादारी के सर्टिफिकेट बांटे जाएं? यह पाकिस्तान इसलिए बना था कि आप मुल्क को खोखला कर दें आप मुल्क को तबाह बर्बाद कर दें और फिर जनाब आप कहें जी गदारी हुई या अपना या ये गद्दार है और ये वफादार है मैं समझता हूं कि इस बहस में अगर गए तो बात बहुत दूर तलक तो जाएगी